जो रोल्स लिखे जा रहे हैं शायद मुझमें मैं फिट नहीं करता हूँ अभी यंगर एक्टर्स है जो भी है वो तो उसको तो फैमिली मैन के पहले लोग तो भूल गए थे कि कहाँ है मनोज वाजपेयी एंड एक फीचर फिल्म मैंने कंप्लीट की है साउथ में विद पवन कल्याण एंड क्रिश इज द डायरेक्टर तो वो भी अभी रिलीज के लिए तैयार है रेडी है पहला एक्सपीरियंस ओ के साथ मेड इन हेवन के साथ मुझे असल में एक कास्टिंग डायरेक्टर है जैसे काफ़ी मैं अच्छी तरह जानता हूँ और वो मुझे कई मतलब अपॉरचुनिटीज़ और फिल्में दी हैं उसने उनका नाम है नंदिनी श्रीकांत एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक वेब सीरीज़ बन रही मुझे आइडिया नहीं था कि वेब सीरीज़ क्या होते हैं और उसमें आपका ये 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 जरा सीन आप पढ़ के हमें रिकॉर्ड करके मतलब ऑडिशन कीजिए इसमें तो मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि अरे मुझे ऑडिशन मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे फिट हूँ इसमें वहाँ से मुझे मेड इन हेवन मिला जो जोया अख्तर डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रही थी और वहाँ पर जो उनका शूटिंग का स्टाइल और माहौल जो था इट वाज सो फैंटेस्टिक मैंने कहा यार दिस इज़ अ न्यू ब्रेक थ्रू कि जिस तरीके से शूट कर रहे थे जो नेचुरलिज़्म था और uh, जो उनका सेटअप था वो मतलब फीचर फिल्म से कम नहीं था लेकिन स्टाइल जो था बनाने का वाज इट वाज वेरी न्यू एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वेब सीरीज इतना बड़ा हिट हुआ मेड इन हैवन एंड वॉज सच अवटिफुल सीरीज़ कि यू नो इट वॉज इट वॉज अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस और जोया ने भी मुझे कहा डोंट वेरी यू स्पीक एब्सोलूटली नॉर्मली आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अंग्रेज़ी बोलता है हिंदी भी बोलता है इस किस्म का क्या है प्लीज डू इट ऑल नेचुरली विच वॉज वंडरफुल एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म का किस किस्म और फिर वहाँ से पिकअप हुआ ओ टी पर उसके बाद मुझे फैमिली मैन के लिए बुलाया गया वो भी एक कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़े ने, ने मुझे इस फैमिली मैन के लिए रेकमेंड किया था तो मैं मैंने फैमिली मैन फैमिली मैन के लिए मैं गया वहाँ पर कृष्णा राजन कृष्णा डी के कृष्णा ने मुझे पूरा पूरी कहानी बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इट वज़री इट वॉज़ अ थ्रिलर उसमें मेरा भी रोल जैसे आप लोगों ने शायद देखा होगा तो वो वहाँ से मेरा ओ का जर्नी शुरू हुआ फैमिली मैन उसके बाद मुझे इनसाइड एज थर्ड सीजन में बुलाया गया वहाँ पर वो लोधा कमीशन का जो वो ट्रायल था जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें मुझे वो जज का रोल मिला मुझे विच आई वाज वेरी इम्पोर्टेंट फिर मैंने एक सीरियल की अपलॉज के लिए जिसको हॉस्ट विच वॉज डायरेक्टेड बाई सुधीर मिश्रा तो mm -hmm. मेरी मतलब जहाँ फिल्में और ये मतलब फिल्मों में जहाँ मतलब मेरा काम कम होता गया सो ओ टी टी में आ, आ, मुझे ज़्यादा काम मिलने लगा तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि और कि फीचर फिल्म्स में अभी किस किस्म के मतलब जो रोल्स लिखे जा रहे हैं शायद मुझमें मैं फिट नहीं करता हूँ अभी यंगर एक्टर्स हैं जो भी हैं लेकिन मैंने ये मतलब ये मुझे कभी महसूस करने का मौका मतलब महसूस करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आई एव बिन वर्किंग मुझे ओ टी टी पर काफ़ी काम मिलता रहा है और अभी फीचर फिल्म भी आ रही हैं तो ये एक्सपोजर मेरे लिए बहुत अच्छा था और रोल्स भी अच्छे थे और ओ टी टी का अपना ही मतलब एक पैटर्न है जहाँ आपको फुर्सत ज़्यादा मिलती है क्योंकि आपके एपिसोड ज़्यादा हैं सीन ज़्यादा हैं तो कैरेक्टर को मतलब वो कैरेक्टर को डिवेलप करने में आर्टिस्ट को भी ज़्यादा समय मिलता है सीन्स मिलते हैं नहीं तो फीचर फिल्म में जब तक गाने ख़त्म होते हैं हीरो हिरोइन का होता है तो कैरेक्टर एक्टर्स को दो या तीन या चार सीन मिलते हैं मैक्सिमम उसमें आपको और वो भी आपको सुर पकड़ना पड़ता है जो मतलब अगर फिल्म आठ में जा रही है तो आपको दस में से आठ के सुर पे ओटीटी में क्या है कि आपका कैरेक्टर आप डेवलप कर सकते हैं क्योंकि आठ दो एपिसोड्स हैं और आपको स्क्रीन प्ले में टाइम मिलता है तो मेरे लिए जो मैं वो जो मैं कर चुका हूँ 80s में और सेवेंटीज़ में मेनली एटीज़ और नाइन्टीज़ में जो फीचर फिल्म किए हैं मैंने वो मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था लेकिन ओ मेरे लिए इस अभी बहुत सूट होता है क्योंकि मुझे कैरेक्टर डेवलप करने में समय देते हैं और ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मतलब बात यह है कि मुझे इस किस्म के रोल्स मिल रहे हैं जहाँ मुझे लीड्स मिल रहे हैं अभी जहाँ मतलब मैं मेन कैरेक्टर हूँ अब एक ओ टी टी में करने जा रहा हूँ जो पूरे कहानी में मैं मेन कैरेक्टर हूँ और पैंतीस चालीस दिन का काम है नौ एपिसोड में, में मेरा मतलब नाइन एपिसोड्स बन रहे हैं उनमें से नौ में से नौ में, 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 में मेरा कैरेक्टर है मतलब पूरी कहानी में आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और कितने एक्टर्स आ गए हैं अभी ओ टी टी में जो असल में फिल्मों फिल्में उन्हें भूल गई थी मनोज वाजपेयी को देखो मनोज फैमिली मैन में वह इतना बेहतरीन इतना कमाल का एक्टर है वो तो उसको तो फैमिली मैन के पहले लोग तो भूल गए थे कि कहाँ है मनोज वाजपेयी आज देखो उसको फैमिली मैन के बाद सो इतने अच्छे एक्टर हैं जिन्हें दोबारा मौका मिल रहा है अपना मतलब काम दिखाने का और उनकी और ऐसी फिल्में और या ऐसे प्रोग्राम बन रहे हैं जहाँ उनको ये मौका भी मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का वो रोल्स ऐसे लिख रहे हैं और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मनोज है क्योंकि इज ऑलवेज बिन अ फैंटेस्टिक एक्टर लेकिन जैसे फैमिली मैन ने उसको ज, ज, मतलब उसको जो उसका रिटर्न आया है अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा तो ओ का बहुत फ़ायदा हुआ है कई एक्टरों को और क्योंकि कहानियाँ इतनी बड़ी होती हैं तो हर मतलब सबको काम मिल रहा है जो सिर्फ एक्टर्स को नहीं लेकिन प्रोडक्शन uh, कंपनीज में भी कैमरामैन uh, हो आर्टिस्ट जो भी है मतलब जब फिल्म बनती है तो सबको काम मिलता है तो वो भी एक इंडस्ट्री आ गई है ना तो इट इज इट इज मतलब ये और और विशेषकर मतलब पैंडेमिक के बाद जहाँ फिल्में रुक गई थी थिएटर बंद बंद हो गए थे तो लोगों का मतलब रोजी रोटी बंद हो गई थी तो ओ ने वो भी किया है तो अभी वो एक अपने 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 जगह में ये इंडस्ट्री है जो आप अपने मतलब मोबाइल फोन पे देख सकते हो तो इससे मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है मतलब सबको काम मिल रहा है एक्टरों को इट्स इट्स अ विन विन सिचुएशन एक मेरी फिल्म है जो मैंने कंप्लीट की है अवस्थी वर्सेस अवस्थी वो अभी रिलीज होने के लिए अभी आ रही है मैं एक फीचर फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्विस्ट फेट उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता उसमें बहुत बढ़िया कहानी है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि शूटिंग सितंबर में शुरू होगी तो आ, इससे ज़्यादा मैं नहीं आपको बता सकता हूँ और क्योंकि आजकल के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ टी प्लेटफॉर्म के और या स्टूडियोज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने टाइट होते हैं कि आप कोई बात नहीं कर सकते मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिया ट्विस्ट एड के बारे में आप देख लीजिएगा कैन कैन कीप इट वो और एक और वेब सीरीज़ की बात चल रही है एंड एक फीचर फिल्म मैंने कंप्लीट की है साउथ में विद पवन कल्याण एंड क्रिश इज द डायरेक्टर तो वो भी अभी रिलीज के लिए तैयार है रेडी है तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है एक शॉर्ट फिल्म की बात चल रही है रिकॉर्डिंग्स करता हूँ मैं तो चलते रहता है काम